रोजगार मेला एवं कैरियर काउंसलिंग के संबंध में एक बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए उद्यमी आगे आएं, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग आयोजित कराया जाए। इस मौके पर सेवायोजन के सहायक निदेशक ने बताया कि 16 व 24 जनवरी को रोजगार मेला क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 10 कंपनियों के द्वारा प्रतिभाग किए जाने की उम्मीद है। इस मौके पर सेवायोजन अधिकारी अरविंद यादव, व्यापारी नेता जवाहरलाल कसौदन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्कूल को शामिल करते हैं जो भी यूजर मैनुअल है, मुझे कैसे कर सकते हैं और जॉब सीकर्स कैसे कर सकते हैं, ये पूरी उसमें पहले ही होम पेज में उसकी जनपद स्तरीय समिति कार्यक्रम है। इसमें सर रोजगार मेला में हमें इस साल में कुल 15 मेले करने का लक्ष्य था, जिसमें 13 मेले हमने संपादित किए। इन 13 मेलों में हमने 3,314 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया है और 78 युवाओं ने इसमें एक बार काउंसलिंग का लक्ष्य पूरा किया है। और काउंसलिंग कौन करते हैं, काउंसलर आपके पास? हाँ, हमारे पास काउंसलर्स की टीम है सर, जिसमें ये है मिस्टर सुशील शर्मा है, फ्रीलांस काउंसलर है। अच्छा। ये लोग हैं। अब हम इस समिति के माध्यम से सर भगवान सिंह साहब हैं उसमें कि हमको एक्सपर्टाइज दिए कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज से भी मिलेंगे और इनको भी टाइम टू टाइम हम कॉलेजेस में ले जाएंगे। अभी पिछली बार मैंने रेखा गढ़िया मैडम को ले गया था, एडी कॉलेज में, जो आईटी की चूंकि एक्सपर्ट हैं ये, तो उसमें इनकी काउंसलिंग अच्छी रही। तो इस प्रकार से हम इस समिति के सदस्यों को भी इन्वॉल्व करते हुए और काउंसलिंग की लहर पैदा करेंगे सर। और जहाँ तक मेले का ताल्लुक है, उसमें हमारे मंत्री महोदय ने इच्छा जारी की, क्योंकि वो कुशीनगर से, तो कुशीनगर में अभी कोई रोजगार मेला नहीं लगा है। अच्छा, वहाँ लगाएंगे तो ये प्रस्ताव है कि हमारे निर्देशन में वहाँ भी लगे।